हेलो हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैं यस जी हाँ दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे यूपीएससी के हों, चाहे यूपीपीसीएस के हों, चाहे अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उनसे जाकर आप पूछ सकते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर हमें क्यों रीड करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में जो कह सकते हैं आप करंट अफेयर्स रिलेटेड या फिर जो भाषा शैली पूछी जाती है, वो ज़्यादातर द हिंदू से रिलेटेड ही पूछा जाता है। तो दोस्तों ऐसे में यदि आप प्री का पेपर याद दे रहे हैं तो कई सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, जिसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं, लिखा है महाराष्ट्र रिकॉर्ड 350 न्यू केसेज, 18 मोर डेथ। आप देख सकते हैं COVID-19 के जो पेशेंट हैं, जो मरीज़ हैं, सबसे ज़्यादा अगर कहीं देखा जा रहा है और ज़्यादातर अगर डेली जो इजाफा हो रहा है, इंक्रीजमेंट जहाँ पे हो रही है, वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का मुंबई है। तो दोस्तों अभी कल के डेट में किस प्रकार से 350 नए मरीज़ मिले, ठीक, और 18 लोगों की डेथ हो गई, मर गए। तो दोस्तों ऐसे में क्या है ना कि महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। ये जो इसका पूरा सार होता है, जो एक्सप्लेनेशन होता है, ये सब मैं बता देता हूँ, ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा, चीज़ों को बस समझने की कोशिश करिए। तो दोस्तों इस समय ये कहा जा रहा है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के समर्पण के बिना हम जो COVID-19 पैनडमिक है इसे हरा नहीं सकते। तो इसके लिए हमें एकजुट होकर जो है इससे लड़ना होगा, इस अदृश्य हथियार कहें या दुश्मन कहें। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ लिखा है पीएम एक्सटेंड्स लॉकडाउन टिल माय 3 टफर रेस्ट्रिक्शंस एट हॉटस्पॉट। आपको बता दें ऐसे तमाम हमारे मित्र थे जो आस लगाए थे कि 15 तारीख को ट्रेन में बैठेंगे, उसके बाद अपने अपने गंतव्य तक आ जाएंगे। पर दोस्तों जैसे ही कल राष्ट्र को संबोधित किए 10 बजे सुबह में हमारे देश के यशस्वी और गौरवशाली प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उन्होंने कहा कि यदि भारत सरकार एक्सटेंड लॉकडाउन को एक्सटेंड नहीं करती तो तमाम तरह के दुष्परिणाम इसको देखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हैं इतना लॉकडाउन होने के बावजूद कुछ लोगों की गलतियों की वजह से पूरा देश उसका परिणाम भुगत रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस तरह की समस्या ना आए, इसलिए 19 दिन का फिर लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया, तकरीबन 3 मई तक, उससे भी ज़्यादा टफ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। और हॉटस्पॉट यहाँ इसलिए दिया गया है दोस्तों कि जो ज़्यादातर संवेदनशील इलाके होंगे, संवेदनशील का मतलब ये होगा कि दोस्तों जहाँ पर कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं ज़्यादातर संख्या में पाए जाएंगे, उसे हॉटस्पॉट कर दिया जाएगा, वहाँ पर तमाम तरह की चीज़ों को और रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह की समस्या अगर चाहते हैं कि ग्रामीण स्तर पर ना जाएं, तो इसमें आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसे लोगों की निगरानी करें, ऐसे लोगों की देख ताक में रहें कि कौन व्यक्ति कहाँ आता है, कौन जाता है, ठीक है, और उसकी जो है कि सूचना तुरंत अपने ज़िले के अधिकारी या शासन प्रशासन को ज़रूर दें। क्योंकि कुछ लोग हैं दोस्तों शहरों से चोरी छुपे आ जा रहे हैं अपने अपने गांव तक, जिसकी वजह से दोस्तों कुछ लोग हैं उनकी जानकारियों को छुपा ले रहे हैं। तो इस वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं हम अपना खुद का नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने कई सारी बातें कही, देख सकते हैं उन्होंने कहा कि हमारे यदि हमें कोरोना को हराना तो सबसे पहली 7 मुख्य बातें जो हैं उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसमें तमाम तरह की बातें थी, जैसे अपने परिवार के बुज़ुर्गों की आप स्पेशली जो है कि सेवा करिए, उनकी देखभाल करिए, और कहीं बाहर अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो फेस मास्क का उपयोग करें, उसके बाद काढ़ा घर में ज़रूर पिएं, गुनगुना या गर्म पानी ज़रूर पिएं, और पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मियों के प्रति आप सम्मान से पेश आएँ। तो ऐसी तमाम तरह की बातें उन्होंने बताई है। और ये देखिए है, ट्रेन फ्लाइट्स स्टे सस्पेंडेड। जी हाँ दोस्तों, चाहे रेलगाड़ी हो चाहे जहाज़ हो, पूरी तरह से ये सस्पेंड हैं, ठीक है। तो इस तरह आप मत सोचिए कि कोई किसी प्रकार का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा कि फला स्टेशन से ट्रेन चलने वाली है, फला जगह से जो कि जहाज उड़ने वाली है, तो इस भ्रम में मत आइएगा, क्योंकि इसी का भुगतान कल मुंबई भुगता है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ है, लिखा है
लॉन्गर लॉकडाउन इसेंशियल टू ब्रेक चैन ऑफ इन्फेक्शन। ये कहा जा रहा है कि ये जो लॉकडाउन बार बार बढ़ाया जा रहा है, ये आवश्यक है कि जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसका चैन तोड़ने के लिए, ये गवर्नमेंट कह रही है। तो बहुत सारे लोग हैं तमाम तरह के प्रश्नों के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं कि आखिर क्या वजह पड़ी। तो दोस्तों, हम तो छोड़िए, जिस तरह संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि आर्थिक क्षति हमें बहुत हो रही है, पर हमारे भारतीय के स्वास्थ्य और उनके ज़िंदगी से बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं है, मैं उससे भी बड़ी आर्थिक नुकसान झेल लूँगा अपने देशवासियों के लिए। और हमारा ही देश ऐसा नहीं है जो ये कदम उठा रहा है। यूरोप के वो सारे देश जो कह सकते हैं विकसित राष्ट्रों के समूह में गिने जाते थे, वो पूरी तरह अपने आप को लॉकडाउन कर लिए हैं। स्पेन वगैरह, ब्रिटेन तो तीसरे चरण में जा पहुंचा है, तीसरी बार संबोधन के माध्यम से वहाँ पर लॉकडाउन बढ़ाना पड़ रहा है, ये स्थिति है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा है 1,211 न्यू केसेस इन 24 आवर्स, 1211 मतलब 1,211 न्यू केसेस मात्र 24 घंटे में हमारे इंडिया में आए हैं, और टोटल अब हो गए हैं दोस्तों 210,363। तो ये लाखों में भी जा सकता है, तो हमें बहुत ही तत्परता से जो भी इन्होंने बातें कही है उसे अपने दैनिक जीवन में इम्प्लीमेंट करना होगा। ऐसे लोगों के समकक्ष में ना जाएं जिन पे हमें संदेह हैं, जो छींक रहे हैं, खांस रहे हैं। यदि उनके संपर्क में जाएं बचाव के लिए, तो भी अपने आप को पहले ढक लें, और उसके बाद तुरंत जो चिकित्सा का जो हेल्पलाइन नंबर है उसके बाद उन्हें फ़ोन करें, ठीक है। उसके बाद है राहुल जी, नॉट इनफ टेस्टिंग। राहुल जी तमाम तरह की बातें उठा रहे हैं कि हमारे पास जो है COVID-19 से रिलेटेड जो भी किट्स हैं, मास्क हैं, वो नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं विदेश भेजा जा रहा है, हमारे यहाँ कमी है। तो हमेशा कुछ ना कुछ उठाते रहते हैं। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आज देश के साथ भी नहीं खड़ी है, बस क्रिटिसाइज़ करने में लगी हुई है। ये देखिए यार दोस्तों, एक पिक्चर देखिए, माइग्रेंट्स गैदर आउटसाइड बांद्रा स्टेशन। बांद्रा जो पड़ता है दोस्तों मुंबई में है, और बांद्रा ईस्ट वेस्ट जो है वहाँ पर दोस्तों तकरीबन हज़ारों की संख्या में जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से जाकर अपनी जीविकोपार्जन के माध्यम से वहाँ पर रह रहे हैं, खा कमा रहे हैं। अब दोस्तों, आखिर इसके पीछे क्या बात हुई है कि इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए, उसके बाद मांग करने लगे कि हमें हमारे राज्य में भेजिए, रेलगाड़ियाँ चलाइए। उसके बाद पुलिस से झड़प हो गई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तो कुछ लोगों ने विरोध किया, लड़ पड़े। देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए, ओवर 1,000 माइग्रेंट वर्कर्स गैदर्ड आउटसाइड बांद्रा स्टेशन ऑन ट्यूजडे आफ्टरनून डिमांडिंग दैट दे बी सेंट होम एट द अर्लीस्ट एज दे आर अनेबल टू सस्टेन देमसेल्व्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन। द पुलिस हैड टू रिजॉर्ट टू लाठीचार्ज डिस्पर्स देम। उनका सीधे सीधे आरोप है कि दोस्तों हमें खाने पीने से संबंधित बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, अब इस तरह आप एक्सटेंड कर रहे हैं, हम नहीं रह सकते, हमें हमारे जैसे हो वैसे हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाया जाए, ठीक है। तो कई लोगों ने निशाना भी साधा है ठाकरे को, ठीक है, कि आखिर किस प्रकार की आपकी वहाँ की नीतियाँ हैं कि आप इतने लोगों को खिला पिला नहीं पा रहे हैं। और शासन प्रशासन पर भी दोस्तों संदेह हो रहा है, उंगली उठ रही है कि इतने भारी संख्या में कैसे एक जगह एकत्रित हो गए, आखिर प्रशासन कहाँ था, पुलिस कहाँ थी, ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चन उठ रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, भोपाल गैस सर्वाइवर लेफ्ट इन द लर्च। आपको बता दें भोपाल गैस सर्वाइवर के बारे में यहाँ दिया है कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबत हो रहा है वहाँ पे, जो सर्वाइवर थे, मतलब 1984 में जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था दोस्तों, बहुत सारे लोग बच गए थे, उन्हें सर्वाइवर करते हैं। सर्वाइवर वो होता है जो दोस्तों मौत के मुँह से बच के वापस आ जाए, वो सर्वाइवर होता है। तो उसके बाद दोस्तों इस कोरोना बीमारी से वो नहीं लड़ पाए, जो भोपाल गैस त्रासदी से बच गए थे, पर इस COVID-19 जो बीमारी है उससे लोग मर गए, तकरीबन 4 लोग मरे। देखिए लिखा है ना, यहाँ पे पढ़िए, लिखा है 4 of the 5% हु डाइड ऑफ COVID-19 इन भोपाल वेयर सर्वाइवर ऑफ द सिटीज 1984 गैस ट्रेजडी एंड वेयर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी इलनेस। कैसे देखिए उन लोग सफ़र कर रहे हैं,
पहले उनका जो सांस लेने की दिक्कतें हैं वो बढ़ रही, उसके बाद वो मर जा रहे हैं। ठीक है, ये समस्याएं हैं। अब इनको देख सकते हैं आप, टेल टुम्बले नवालखा सरेंडर टू NIA। NIA का मतलब होता है दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होती है। और उसके बाद आपको बता दें ये है कौन, ये है दोस्तों स्कॉलर का मतलब विद्वान होता है, स्कॉलर आनंद टेंटुम्बले अराइविंग एट द NIA ऑफिस इन मुंबई ऑन ट्यूजडे एंड राइट एक्टिविस्ट गौतम नवालखा आउटसाइड द एजेंसी ऑफिस इन नई दिल्ली। तो दोस्तों इनके ऊपर कोरेगांव भीमा जो 2018 में भीमारा कोरेगांव में एक दंगा हुआ था, ठीक है, उसी से रिलेटेड इनके ऊपर तमाम तरह के एक्यूज़ किए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं कि कहीं कहीं इनकी संलिप्तता पाई गई है। इस वजह से ये NIA जिस तरह से पूछताछ करती है, और आपको पता होगा कल जो है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन भी था, ठीक है, ये इसी तरह के देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। जैसे पूछ लिया कि टेलटुम्बले कौन है, भीमा कोरेगांव दंगा कब हुआ था, ठीक है, तो इसी तरह का चीज़ पूछ सकता है। अब ये देखिए, आजकल बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं, जिस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े कह सकते हैं जो ख्याति प्राप्त जो पॉलिटिशियन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, कुछ लोग गालियां दे रहे हैं और सोच रहे हैं हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ऐसे ही एक थे दुबे जी, ठीक है, इनको आप देखे होंगे द लाइव TV में, जो यूट्यूब चैनल है, इनके वीडियो को वहाँ पे पोस्ट किया जाता है, स्नैपचैट फ्रॉम विनय दुबे वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी तरह से फंस चुके हैं, इनके बारे में देख लीजिए, लिखा प्रोटेस्ट का मतलब होता है खिलाफत करना, मैन डिटेन का मतलब होता है नज़रबंद करना ओवर सोशल मीडिया पोस्ट। अब देखिए, लेट ऑन ट्यूजडे विनय दुबे अ रेसिडेंट ऑफ एरोली वॉज पिक्ड अप बाई द रेबल पुलिस एंड हैंडेड ओवर टू द नवघर पुलिस इन मुंबई फॉर इन्वेस्टिगेशन माइग्रेंट वर्कर्स टू कम आउट ऑन द रोड। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये जो बैंड्रा में, पुणे में जो भी वर्कर आए हैं, जो माइग्रेंट वर्कर हैं, उसके पीछे इसी बंदे ने भड़काया है। फेसबुक पे इसने एक पोस्ट किया था कि जाइए आप शासन प्रशासन से कहिए, मतलब जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिखा रहे हैं इसने कहा क्या है, एक तरह से मान के चले इसने भड़का दिया है। आई विल नॉट लेट द सिचुएशन गो आउट ऑफ कंट्रोल ही सेड दैट कल्प्रिट विल बी पनिश्ड। जब इसके ऊपर तमाम तरह के एलिगेशन लगाने लगे तो ये कहा कि नहीं, मैं उस सिचुएशन में मेरा कोई हाथ उत नहीं है। तो दोस्तों यदि आप भी इस तरह का कुछ भी सोच रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, तो बच के करिएगा, अपनी जो भाषा शैली है मर्यादित रखिएगा, अन्यथा आपको उसका गलत परिणाम भुगतना पड़ सकता है, याद रखिएगा। ये देखिए, जो केंद्र सरकार वो ब्लेम कर रही है, जो बांद्रा में जो गैदरिंग हुआ, जो लोग भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं वहाँ पर ब्लेम किया जा रहा है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो जगह है, ये जो दिख रहा है ना वृक्ष पेड़, यहाँ मैं पर्सनली मैं यहाँ खड़ा तकरीबन मैं यहाँ पे एक घंटे तक खड़ा हूँ, मतलब ये पूरा जो बांद्रा ईस्ट वेस्ट जो स्टेशन है बहुत अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ, कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, याद तरोताज़ा हो जाती हैं। दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे जो है कि राज्य सरकार जिम्मेदार है। देखिए यहाँ लिखा, आदित्य सेज इट डिडंट अरेंज ट्रांसपोर्ट बैक होम लेटर से सेंटर हेल्पिंग स्टेट, ठीक। इमीडिएटली आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स गैदर आउटसाइड बांद्रा रेलवे स्टेशन ऑन ट्यूजडे आफ्टरनून डिमांडिंग दैट दे बी सेंट होम एट द अर्लीस्ट स्टेट एनवायरमेंट ऑन टूरिज्म मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ब्लेम द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द बींग एबल टू अरेंज माइग्रेंट लेबर। यदि आप देखिए इस तरह की हरकतें करेंगे, राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप मर रही है और केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर, आप लोगों को एक रिकंसिलिएट करना पड़ेगा, सामंजस्य बैठा के एक दूसरे का सहयोग करके समर्पण का भाव पैदा करके काम करना पड़ेगा, अन्यथा COVID-19 से हम हार जाएंगे। आज ये अवसर ना दें कि हम जातिगत टिप्पणियां, क्षेत्रवाद टिप्पणियां, भाषा और धर्मवाद जैसी टिप्पणियां करके खुद में उलझें, फंस जाएं, ठीक है। क्योंकि BJP के कुछ लोगों ने अटैक किया, लिखा था भारतीय जनता पार्टी मीनवाइल सेड द बांद्रा इंसिडेंट वाज एज अ रिजल्ट ऑफ द स्टेट्स इनएबिलिटी टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स।
कहा जा रहा है कि खाना पीना और रहने के लिए जगह देते हैं तो क्यों ऐसा काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से जिम्मेदार है वो राज्य सरकार है, भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों के द्वारा कहा गया है। अब यहाँ देखिए, ये भाव कह रहे हैं पीएम फेल टू एड्रेस इकोनॉमिक कंसर्न। ठीक, इनका मतलब ये है ना कि पीएम जी को इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ कहना चाहिए था, पर पीएम जी बुरी तरह से मतलब अर्थव्यवस्था के मामले में फेल हो चुके हैं, इनका ये कहने का मतलब है। ये हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के हैं, लिखे हैं लीडर ऑफ द शिवसेना एंड द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ऑन ट्यूजडे क्रिटिसाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एड्रेस टू द नेशंस फॉर नॉट सजेस्टिंग वेज टू स्ट्रेंथ द इकोनॉमी अनाउंसिंग रिलीफ पैकेज फॉर द पुअर एंड दोज वर्स हिट बाई नेशन वाइड लॉकडाउन। ये कह रहे हैं कि जो पूरे संपूर्ण भारत में जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है, मोदी जी को अपने संबोधन में इस बात को भी कहना चाहिए था कि जो गरीब तबका है उसके खाने पीने के लिए किस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाएगा, और जो हमारी जो इकोनॉमी जो कमज़ोर हो रही है उसके लिए कुछ अलग से कुछ विशेष किया जाए, इस तरह की उन्होंने बातें कही हैं। तो भैया इस समय यही जिम्मेदारी है ना कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, अन्यथा पूरे देश को उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। उसके बाद टेस्टिंग मस्ट फॉर, हाँ एक चीज़ ये देख लीजिए, यदि आपके परिवार में, ये तो है इसके महाराष्ट्र के संदर्भ में, पर एक चीज़ हम आपको बता दें, यदि आपके परिवार में कोई है किडनी से संबंधित बीमारी है या फिर कैंसर है या फिर कोई प्रेग्नेंट पेशेंट है, प्रेग्नेंट का मतलब कोई बहनें हैं भाभी हैं प्रेग्नेंट हैं, तो उन्हें ज़रूर पहले उनका टेस्ट कराइए, क्योंकि उन्हें अगर किसी प्रकार का संक्रमित पाया गया तो दोस्तों उन्हें बचा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। जो लोग पहले से ही किसी अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने क्या निकाला है कि हमारे राज्य में जितने भी डायलिसिस के हैं, जो किडनी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं और कैंसर और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो मरीज़ हैं, उनको सबसे पहले प्राथमिकता हमारी जो है उनका सबसे पहले टेस्ट किया जाए कि किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है या फिर COVID-19 से संक्रमित तो नहीं है। यहाँ पे देखिए जो BMC है, जिसे आप कहते हैं बृहम मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो दोस्तों वो पूल टेस्टिंग करने जा रही है। पूल टेस्टिंग का मतलब ये हुआ दोस्तों, जो एरियाज वाइज जो है कि जगह जगह पे वो पूरे लोगों को टेस्ट करेगी। ये देखिए ड्रोन के माध्यम से आईज इन द स्काई टू हेल्प पुलिस कर्ब क्राउड्स इन डेंस एरियाज, इसके माध्यम से ये देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे लोग जो है कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, किस सघन एरिया में भीड़ भाड़ है। तो इस समय कह सकते हैं आप जो ड्रोन होता है उसकी मदद से निगरानी किया जा रहा है। तो दोस्तों कहीं भी रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, वही बचाव है, नहीं तो दवाएं कुछ नहीं कर पाएंगी। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने कहा यू आर इन माई स्टेट यू आर सेफ सीएम। तो चीफ मिनिस्टर जी ने बोला है उद्धव टेल्स माइग्रेंट वर्कर इट्स लॉकडाउन नॉट लॉकअप वार्न ऑफ एक्शन अगेंस्ट दोज स्प्रेडिंग रूमर्स। इन्होंने अच्छा बोला, उद्धव जी ने बोला है कि जो लोग भी जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो उनके खिलाफ जो है उनके खिलाफ नहीं, जो गलत जो रूमर उड़ा रहे हैं, जब हवा फैला रहे हैं इधर उधर का, उनके खिलाफ कथित तौर पे कार्रवाई की जाएगी यदि वो इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें चेता रहे हैं। उन्होंने कहा भी है यदि आप हमारे स्टेट में हैं राज्य में तो आप सेफ हैं, आपको खाने से लेकर रहने तक की कोई पीड़ा नहीं होगी, यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उन्होंने नंबर भी लॉन्च किया है सहायता केंद्र, वहाँ पर आप फ़ोन करिए, जो भी आपकी समस्याएँ होंगी वहाँ आपको पहुँचाई जाएगी। गोवा में सी ईज इन रेस्ट्रिक्शंस इफ नो केसेज इन 3 डेज। अब सोचिए इतने बढ़िया रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं गोवा जैसे राज्य ने, 3 दिन में कोई नया मरीज यहाँ पे नहीं आया, तो दोस्तों ये होना चाहिए। और यदि कोई गोवा में आता है तो दोस्तों सबसे पहले उसका हेल्थ चेकअप हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तब जाके उस राज्य में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है सीनियर सिटीजन्स लिविंग एलोन इन
गोवा हिट बाई लॉकडाउन ब्लूज। गोवा में यदि किसी को ज़्यादा समस्या हो रही तो दोस्तों जो सीनियर सिटीजन जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हें समस्या हो रही, क्योंकि वो रूम में बंद अकेले रह रहे हैं, अकेले पड़े हुए हैं, तो ऐसे में दोस्तों उनको ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके साथ रहें, समय बिताएं, बातें करें, बैठें, उन्हें अकेला ना छोड़ें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि फार्मर यूज़ इंटरनेट टू सेल डायरेक्टली टू कस्टमर। जी हाँ दोस्तों, फार्मरों को एक विशेष सुविधा देने जा रही है सरकार। यदि वो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब लोग अपने घर में ही हैं, पर यदि किसान चाहे तो अपने वहाँ जो उसके खेत में जो अनाज है उसको डायरेक्ट सेल कर सकता है किसानों को। इस तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं। अब ये देखिए लिखे हैं, पंजाब सीएम अर्जेस पीएम टू रिव्यू डायरेक्टिव टू इंडस्ट्री ऑन सैलरी। आपको एक चीज़ पता होगा कि जैसे ही लॉकडाउन बढ़ाएगा उसके बाद जो भी वर्कर थे बड़ी बड़ी कंपनियों में, कंपनी के मालिकों के द्वारा भी उन्हें कहा गया आप अपने अपने घर चले जाइए, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारियों से बचना चाह रहे थे। तो दोस्तों इन्होंने एक सुझाव दिया है अमरिंदर सिंह जी ने केंद्र सरकार को कि पीएम जी जो लोग कार्यरत थे इंडस्ट्री में कंपनी में उन्हें सैलरी दिलाइए। इससे क्या होगा, भुखमरी कम होगी, ठीक है, देश में जो समस्याएं पनप रही हैं वो कम होंगी। आप भी सोचिए, जो करोड़ों का अरबों का टर्नओवर एक मजदूर बेचारा अपनी मेहनत मजदूरी करके दिन रात उनको प्रोग्रेस करता है कंपनी वालों को, क्या कंपनी वाले 2 महीना तक उनको सैलरी नहीं दे सकते हैं, 2 महीने तक खिला नहीं सकते हैं? ये हमारे देश की समस्या है। खाली अपना पेट भरना चाहिए अमीरों का, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, कश्मीर स्टार्ट बैरिकेडिंग रेड जोन एमिड क्रिटिसाइजम। कश्मीर में कुछ भी करेंगे क्रिटिसाइज किया जाएगा। क्रिटिसाइज का मतलब होता है दोस्तों आलोचना करना, बैरिकेडिंग का होता है बैरियर खड़ा कर देना, रुकावट कर देना। तो इसमें क्या है दोस्तों, जहाँ पे ज़्यादा मरीज़ मिल रहे हैं, COVID-19 के पेशेंट मिल रहे हैं, वहाँ पे एक रेड जोन बनाया जा रहा है, और उसके बाद वहाँ कहा जा रहा है कि किसी प्रकार बाहरी का आना जाना यहाँ मना है, मतलब अंदर बाहर कुछ भी नहीं जा सकते। यदि किसी प्रकार की आपको इमरजेंसी हो तो हमें आप कॉल करें, उसके बाद जो भी फैसिलिटीज़ होगी मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड हम उसको पूरा करेंगे। तो होना भी चाहिए, आप लोगों की लापरवाही ने कितना बड़ा समस्या खड़ा कर दिया है, तो ये होना भी चाहिए। तो दोस्तों और अब कुछ है नहीं इसमें, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।